नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले बिहार में थाने में ही हो रही थी शराब पार्टी। आपको हम बता दें कि एक थानेदार के साथ दो चौकीदार जो है इसमें लिप्त पाए गए हैं, तीनों को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है। आपको हम बता दें यह पूरा मामला जो है वो कैमूर जिले का है, जहां पर जब एसपी को सूचना मिलती है कि एक थाने में शराब पार्टी की जा रही है, जहां पर थानेदार जो है शराब पीते हुए देखे जा रहे हैं और जो दो चौकीदार है वो शराब में चखने का इंतजाम करते हुए बताए जा रहे थे। आपको हम बता दें कि बिहार में शराबबंदी है और लगातार पुलिस वालों का शराब पीते हुए वीडियो वायरल होता है, शराब पीकर ड्रामा करते हुए वीडियो वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू की हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उसके रखवाले जो हैं वही शराब पीकर नौटंकी करते हुए देखे जाएंगे तो आम जनता को कौन संभालेगा। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से लगातार बिहार से शराबबंदी के नाम पर मजाक की व्यवस्था बनती जा रही है, लगातार शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कभी घूस लेते हुए कभी शराब पीते हुए और तमाम तरह के वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति अगर शराब पीता है तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन जब वही पुलिस प्रशासन के लोग जी थाने को शराब खाना बना लेंगे तो सोचिए कि बाकी लोग जो है किस प्रकार से शराबबंदी की व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। आपको बता दें यह पूरा मामला जो है वो कैमूर जिले का है, जहां पर एक थाने में शराब पार्टी हो रही थी, जहां पर तीन लोग जो है वो निलंबित किए गए हैं, जेल भेज दिया गया है और बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी है वहां पर अगर इस प्रकार का वीडियो फुटेज सामने आता है तो बिहार पुलिस की काफी निंदा होती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज